असलम स्टूडेंट्स आई एम वसीम कराम दिस इज़ दी फोर्टी थर्ड लेक्चर इन दीरीज़ ऑफ़ फोर्टी फाइव लेक्चर्स ऑन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कैसे आप इन शे होंगे लास्ट फ्यू लेक्चर्स से हम मेमरीज़ पर बात करें मेमरीज की इम्प्लीमेंटेशन कैसे काम करती हैं स्ट्रक्चर क्या है मेमरी ड्राइड साइकिल्स कैसे चलते हैं उसमें इस किस्म के इशूज़ पर बात होती रही है आज इनशाला हम बात करेंगे कि इनका यूज़ कहाँ पर हो रहा है डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें यूज़ हो रहा तो है तो उधर क्या एस्पेक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इन मेमरीज़ के दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे एफ हमने याद है आपको डिस्कस किया था पी एल डी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस सो आज हम एक और डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे एफ इससे पहले कि आज का लेक्चर शुरू करें आइए पुराना जो लेक्चर था उसके कुछ कंटेंट्स को रिव्यू कर लें लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन अपने शुरू की थी फ्लैश मेमोरी जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे ऑर्गेनाइज की हुई है बेसिकली हम ये कह रहे थे कि फ्लैश मेमोरी में भी एक ट्रांजिस्टर है जो ज़ीरो या वन को स्टोर कर रहा है लॉजिक ज़ीरो या लॉजिक वन को स्टोर कर रहा है इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे हो रही है बेसिकली चार्ज हम स्टोर कर रहे हैं गेट पे ट्रांजिस्टर के अगर चार्ज है तो हम ये कह रहे हैं कि ज़ीरो लॉजिक ज़ीरो स्टोर हुआ हुआ है अगर चार्ज नहीं है गेट पर तो दैट मीन्स लॉजिक वन स्टोर हुआ हुआ है आर्किटेक्चर जो था स्ट्रेट फॉरवर्ड था जिस तरह हम पहले डिस्कस कर रहे थे जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो एक टू डायमेंशनल एरेक की सूरत में उनको ऑर्गेनाइज किया हुआ है रोज हैं एंड कॉलम्स हैं हर रो के साथ ट्रांजिस्टर के गेट्स कनेक्टेड हैं ट्रांजिस्टर का एक ड्रेन टर्मिनल, टर्मिनल होता है और एक सोर्स टर्मिनल होता है कॉलम्स में जितने ट्रांजिस्टर्स हैं उन सारों का ड्रेन एक कॉमन लाइन के साथ कनेक्टेड है और उसका दूसरा एंड जो है एक एक्टिव लोड के साथ कनेक्टेड है हर ड्रेन लाइन के साथ एक कंपरेटर कनेक्टेड है जिसका एक एंड रेफरेंस वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है सो so, जब भी एक रो सिलेक्ट होता है एक कॉलम सेलेक्ट होता है उसकी वजह से एक ट्रांजिस्टर जो है वो सिलेक्ट हो जाता है अगर उस ट्रांजिस्टर के गेट पे एक चार्ज है हम गेट पे एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा है क्योंकि रोड जो सेलेक्टेड है सो so चार्ज की वजह से सोर्स और ड्रेन के दरियान कोई करंट फ्लो नहीं होगा अगर करंट नहीं फ्लो होगा जो कंपरेटर का जो एक इनपुट जो ड्रेन लाइन के साथ कनेक्टेड है वो जीरो वोल्ट पे होगा दूसरी इनपुट जो है उसकी रेफरेंस वोल्टेज पे सो so आउटपुट जो है वो हाई होगा सो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लॉजिक ज़ीरो स्टोर हुआ इसी तरह हमने बात की थी कि अगर ट्रांजिस्टर में चार्ज स्टोर नहीं हुआ सो so जो ही रो सेलेक्ट होगी एक करंट फ्लो होगा ड्रेन एंड सोर्स के दरमियान जब करंट फ्लो होगा एक्टिव जो लोड है उस पर ड्रॉप होगा वी रेफरेंस जो है रेफरेंस वोल्टेज जो कंपरेटर के एक उनपुट के साथ लगाई वो बराबर होगी जो ड्रॉप हो रहा है तो आउटपुट जो है कंपरेटर का वो जीरो होगा सो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि लॉजिक वन स्टोर किया हुआ इस आर्किटेक्चर के बाद हमने दो स्पेशल मेमरीज़ देखी थी जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमरी और लास्ट इन फर्स्ट आउट मेमरी हमने ये कहा था कि स्पेशल पर्पज़ मेमरीज हैं एक तो इनका यूज स्पेशल पर्पज़ है और दूसरा जो है इनकी इंप्लीमेंटेशन वो भी स्पेशल है डिफरेंट है बाकी मेमरीज जो हमने डिस्कस की हैं फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट जो मेमोरी है बेसिकली हम कह रहे हैं कि एक बफर के तौर पे इस्तेमाल हो रही है जब दो डिवाइसेस जो हैं आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं और वो जो इंफॉर्मेशन है वो एक रेट पे सेंड रिसीव नहीं कर रही दैट मींस एक डिवाइस फास्ट है दूसरी स्लो है या पहली वाली स्लो है दूसरी फास्ट है तो वो एक रेट से डाटा कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे एक हमने एग्जांपल ली थी कीबोर्ड की और कंप्यूटर की कंप्यूटर के साथ जो कीबोर्ड होता है तो कीबोर्ड का जो डाटा रेट है जो सेंड कर रहा है वो डिपेंड करता है आपके यूज़र पे जिस रेट से वो टाइप कर रहा है तो उसी रेट से इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर तक जा रही है जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है वो काफ़ी फास्ट है बहुत तेज़ी से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है सो so बेसिकली इन दोनों के दरमियान एक कीबोर्ड बफर हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये इंफॉर्मेशन जो कीबोर्ड बोर्ड आप कीज प्रेस करते हैं ये इंफॉर्मेशन कीबोर्ड बफर में जाके स्टोर हो रही होती हैं माइक्रो प्रोसेसर जब भी उसको जरूरत होती है इन्फॉमेशन की वो बफर से इंफॉर्मेशन उठा रहा होता है So, इसमें हमने एक बात की थी कि जो डिवाइस डाटा प्रोड्यूस कर रही है वो जिस सीक्वेंस में प्रोड्यूस कर, कर रही है उसी सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन बफर में लिखनी होगी और इस तरह जो डिवाइस उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर रही है उसी सीक्वेंस में वो इंफॉर्मेशन पढ़नी होगी सो बेसिकली जो बफर है उसकी लिमिटेड लोकेशंस हैं दैट मीन्स लिमिटेड मेमरी है स्टोरेज स्पेस है सो so, जो ही इंफॉमेशन उसमें डालेंगे उसको अपडेट भी करना है जो इंफॉर्मेशन उधर से निकाल ली बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो बफर में अपडेट होगी ताकि जो वेकेंट स्पेसेस हैं उनमें मज़ीद इंफॉर्मेशन डाली जाए तो एक तरीका तो ये था कि हम शिफ्ट रजिस्टर्स की मदद से ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी बना लें उसमें हमने एग्जांपल ली थी कि अगर फोर बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है और आठ इस किस्म की हैं नेबल्स हैं तो बेसिकली फोर एट बिट शिफ्ट रजिस्टर्स चाहिए होंगे वो आपस में पैरल में आपने कनेक्ट कर लेना है इनपुट पे एक लैच होगी आउटपुट पे एक लैच होगी सो जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है एक डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रही है वो इस इनपुट लैच में इंफॉर्मेशन डालेगी इनपुट लैच इनपुट लैच से इंफॉर्मेशन जो है वो शिफ्ट रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाएगी बफर के आउटपुट पैक इस तरह जो आउटपुट पे है एक दूसरी लैच लगी हुई है बेसिकली जो भी कंज्यूमर डिवाइस है वो जब बफर से इंफॉर्मेशन पड़ेगी वो शिफ्ट रजिस्टर से वो इंफॉर्मेशन लैच में आ जाएगी और लैच से पड़ रही होगी सो बेसिकली कंट्रोल सर्किटरी चाहिए जो इन बफर्स को कंट्रोल करेगी और शिफ्ट रजिस्टर में जो इंफॉर्मेशन शिफ्ट कर रहे हैं उसको भी कंट्रोल किया जाएगा शिफ्ट रजिस्टर से जो हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी इंप्लीमेंट कर रहे हैं ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड यूजर्स के लिए इस्तेमाल होगी आपने कोई एक डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन किया एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए जहां मेमोरी आप नहीं यूज़ कर रहे हैं या बहुत कम यूज़ कर रहे हैं उधर आपको एक फिक्सड अमाउंट ऑफ बफर स्पेस चाहिए तो उधर बेसिकली इस किस्म की फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी यूज़ होगी कंप्यूटर्स में जैसे हमने बात की थी कि जो कीबोर्ड है उसका एक बफर होता है तो वो बफर कैसे इंप्लीमेंट होगा वो ऑफ कोर्स शिफ्ट रजिस्टर से इम्प्लीमेंट नहीं होगा कंप्यूटर्स में जो रैम होती है उसमें एक खास स्पेस जो है वो हम रिज़र्व कर लेते हैं इस बफर को इंप्लीमेंट करने के लिए अब क्योंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी जो है एक मेमोरी में रैम में इंप्लीमेंट हुई हुई है तो बेसिकली आपको दो रजिस्टर्स चाहिए जो दो एंड जो बफर के दो एंड हैं जहाँ पे आप डाटा ऐड करते हैं दैट इज़ बफ़र एन और जहाँ से आप डाटा पढ़ते हैं दैट इज़ बफर आउट तो ये दो रजिस्टर्स जो हैं उनमें एड्रेस स्टोर होते हैं बफर एन और बफर आउट की लोकेशन पर अब जो जो आप डाटा पढ़ रहे हैं बफर से और जिस तरह आप डाटा डाल रहे हैं बफर में तो इन एड्रेसेस की लोकेशंस चेंज हो रही होती हैं और जो जो रजिस्टर्स हैं जो इनको पॉइंट कर रहे होते हैं उनके कंटेंट्स अपडेट होते रहते हैं हमने डिस्कशन की थी लास्ट एंड फर्स्ट आउट मेमोरी पे भी लास्ट एंड फर्स्ट आउट मेमरी जो है बेसिकली जो लास्ट इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं वो पहले पढ़ेंगे सो ऑफ कोर्स जो पहले इन्फॉर्मेशन गई है वो लास्ट में पढ़ेंगे बेसिकली आपने डिफरेंट सब्जेक्ट में पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग में स्टैक हम यूज़ कर रहे हैं स्टैक जो यूज़ करते हैं उसमें बेसिकली क्या करते हैं जब एक प्रोग्राम किसी सब रूटीन को कॉल करता है तो कुछ पैरामीटर्स पास करने होते हैं या कुछ पैरामीटर्स रिसीव करने होते हैं ये पैरामीटर्स कैसे पास होंगे बेसिकली स्टैक में स्टोर किए जाते हैं सो so, जब भी रूटीन कॉल होती है वो रूटीन वो पैरामीटर्स को स्टैक से निकालेगी और उनको यूज़ करेगी स्टैक ऑर्गेनाइज कैसे होता है लच से तीन वैल्यूज़ आपने स्टोर करनी है तो पहले एक वैल्यू स्टोर हुई उसके बाद दूसरी उसके बाद तीसरी सबसे पहले कौन सी वैल्यू आप रिट्रीव करेंगे जो तीसरी वाली एंड में गई तो इसको हमने कहा था जैसे एक प्लेट्स का स्टैक है उस तरह तो आप एज्यूम कर सकते हैं तो पहले एक प्लेट रखी फिर दूसरी रखी फिर तीसरी रखी तो सबसे पहले जो प्लेट उठाएंगे वो सबसे ऊपर वाली प्लेट होगी जो सबसे पहले रखी थी वो एंड में आएगी सो so बेसिकली अगर आप विजुलाइज करें ये कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे दो तरीके हैं जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था शिफ्ट रजिस्टर्स को आप यूज़ कर सकते हैं या मेमोरी में, में भी इसको यूज़ कर सकते हैं तो पहले हम बात करते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स को यूज़ करते हुए इस किस्म का स्टैक कैसे बनाएंगे बेसिकली अस सपोज के हम पांच बाइट वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर करना चाह रहे हैं इसी लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉर्म में सो so बेसिकली जो स्टैक है उसकी फाइव लोकेशन होंगी अब क्योंकि शिफ्ट रजिस्टर यूज कर रहे हैं तो फाइव एट बिट पैरल इन पैरल आउट शिफ्ट रजिस्टर यूज करेंगे सो so, हर शिफ्ट रजिस्टर के जो आउटपुट है नेक्स्ट शिफ्ट रजिस्टर के इनपुट के साथ कनेक्टेड है सो so, पहला वाला जो शिफ्ट रजिस्टर है उसको हम कह देंगे जी स्टैक टॉप तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर करनी है पैरल इनपुट पे वो हम अप्लाई करेंगे वो पहले शिफ्ट रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी अब जो ही हमने दूसरी वैल्यू स्टोर करनी है वो भी पहले वाले शिफ्ट रजिस्टर के इनपुट पर ही अप्लाई करेंगे जो ही क्लॉक क्लॉक सिग्नल आएगा जो इन्फॉर्मेशन पहले वाले शिफ्ट रजिस्टर में स्टोर्ड है वो पैरल आउट शिफ्ट हो जाएगी और जो दूसरा शिफ्ट रजिस्टर है जिसके साथ ये दोनों कनेक्टेड हैं दूसरे रजिस्टर में ये इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी और जो नई इन्फॉमेसन है वो पहले वाले शिफ्ट रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी इसी तरह तीसरी बाइट अगर आपने स्टोर करनी है वो अगेन जो पहला वाला रजिस्टर है उसके इनपुट पर अप्लाई करेंगे क्लॉक सिग्नल अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से जो दूसरे शिफ्ट रजिस्टर में वैल्यू है वो तीसरे में शिफ्ट हो जाएगी पहले वाले की वैल्यू दूसरे में शिफ्ट हो जाएगी और जो नई वैल्यू हमने स्टोर करनी है वो पहले शिफ्ट रजिस्टर में आ जाएगी इसी तरह क्योंकि पांच वैल्यूज़ का स्टैक है इसकी जो डेप्थ है फाइव बाइट की है या फाइव लोकेशंस की है तो पांच ही वैल्यूज़ इसमें आएंगी इसके बाद आप अगर रिट्रीव करना चाहें तो सबसे आखिर में जो वैल्यू स्टोर की थी ऑफकोर्स पहले वाले शिफ्ट रजिस्टर में होगी वो आप पढ़ सकते हैं इसी तरह सेकंड अगर पढ़नी है तो वो सेकंड वाले शिफ्ट रजिस्टर में जब आप पहली पढ़ेंगे तो सेकंड वाले जो शिफ्ट रजिस्टर में वैल्यू है वो वापस पहले वाले में आ जाएगी इस तरह जो तीसरे वाले में थी वो दूसरे में आ जाएगी तो, तो दैट मीन्स पूरी वैल्यूज जो हैं वो शिफ्ट हो रही हैं एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है फाइव शिफ्ट रजिस्टर यूज़ किए गए हैं फाइव शिफ्ट रजिस्टर जो हैं सारे एट बिट के हैं सो so, पहला वाला जो शिफ्ट रजिस्टर है उसको हम स्टैक टॉप कह रहे हैं वो कोर्स सेकंड वाले के साथ कनेक्टेड है सेकंड थर्ड के साथ थर्ड फोर्थ के साथ और फोर्थ फिफ्थ के साथ लेफ़्ट साइड पे एक कंट्रोल स्टैक कंट्रोल ब्लॉक दिखाया गया जो कि स्टैक को कंट्रोल कर रहा है क्लॉक क्लाक सिक्वेंस दिखाए गए एग्जैक्ट डिटेल इसमें नहीं दिखाई गई कि जो आउटपुट है वो इनपुट के साथ कैसे कनेक्टेड है और अगर दूसरा जो रजिस्टर है उसके कंटेंट्स वापस वन में शिफ्ट करने हैं तो उसके आउटपुट ऑफ कोर्स इनपुट के साथ कनेक्टेड होंगे वो डिटेल नहीं दिखाई गई ये सिंपली एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया सो so, जब पहली वाली वैल्यू स्टोर करनी है वो पहले पैरल इनपुट आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर उसके इनपुट पे अप्लाई होगा क्लॉक सिग्नल अप्लाई करेंगे ये इन्फॉमेसन स्टोर हो जाएगी दूसरी वैल्यू जब स्टोर करनी है वो भी इसके इनपुट पे अप्लाई करेंगे जो ही क्लॉक सिग्नल अप्लाई करेंगे पहले वाले शिफ्ट रजिस्टर के कॉन्टेंट्स दूसरे में शिफ्ट हो जाएंगे और पहली वाली वैल्यू जो है पहले वाले शिफ्ट रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी इसी तरह जब हमने एक वैल्यू पढ़नी है तो पहले वाले शिफ्ट रजिस्टर के कॉन्टेंट्स पढ़ेंगे जो स्टैक कंट्रोल है वो सेकंड वाले शिफ्ट रजिस्टर के कंटेंट्स शिफ्ट कर देगा पहले वाले शिफ्ट रजिस्टर में अभी हमने लास्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी को देखा उसका डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम देखा जो हम शिफ्ट रजिस्टर की मदद से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं दूसरा जो तरीका है जो कंप्यूटर्स में यूज़ हो रहा है वो बेसिकली हम मेमोरी को रैम को यूज़ करते हुए स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं अगेन एक रैम का पोर्शन हम रिज़र्व कर लेते हैं स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक रजिस्टर है जिसको स्टैक पॉइंटर कहते हैं उसमें जो कंटेंट्स हैं वो बेसिकली एड्रेस है इस स्पेशल एरिया का मेमोरी uh, का जहाँ स्टैक हमने रिज़र्व किया और जिस एरिया को हमने स्टैक के लिए रिजर्व किया हुआ ये जो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है ये बेसिकली हमेशा स्टैक टॉप पे पॉइंट कर रहा होता है दैट मीन्स इस जगह पे इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं या इधर से हम पढ़ सकते हैं सो so, जो ही आप इंफॉर्मेशन डालेंगे स्टोर करेंगे स्टैक में इसके कॉन्टेंट्स जो हैं अपडेट हो जाएंगे वो नेक्स्ट लोकेशन पे पॉइंट करेगा जहां हम मजीद इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं जब आप इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो स्टैक पॉइंटर के कॉन्टेंट्स यहाँ तो पहले अपडेट होंगे इंक्रीमेंट होंगे या डिक्रीमेंट होंगे आप वैल्यू पढ़ेंगे सो दैट मीन्स स्टैक पॉइंटर जो है स्टैक रजिस्टर जो है हमेशा एक ऐसी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है स्टैक की जो कि स्टैक टॉप है जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहे होते हैं सो so, आइए देखते हैं इसका डायाग्राम कि मेमरी में, में स्टैक कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है डायाग्राम में एक रैम बेस्ड स्टैक दिखाया गया है जिसके सात लोकेशंस हैं लोकेशन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स इस स्टैक में चार लोकेशंस पे कुछ कंटेंट्स पड़े हुए हैं सो स्टैक टॉप जो है उस पर वैल्यू थ्री पड़ी हुई है उसके बाद नाइन है और उसके बाद फोर और लास्ट में सेवन पड़ा हुआ है सो सेवन जो वैल्यू है वो स्टैक के बॉटम पर पड़ी हुई है स्टैक पॉइंटर जो रजिस्टर है उसके कॉन्टेंट्स जो हैं वो बेसिकली एड्रेस है स्टैक टॉप का सो करेंटली स्टैक टॉप जो है उसका एड्रेस थ्री है जहाँ वैल्यू थ्री स्टोर की हुई है अगर हमने ये इंफॉर्मेशन पढ़नी है तो जहाँ भी स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है दैट मीन्स एड्रेस थ्री उधर से हम इंफॉर्मेशन पढ़ लेंगे अगर हमने वैल्यू स्टोर करनी है तो स्टैक पॉइंटर के कॉन्टेंट्स अपडेट होंगे दैट मीन्स थ्री से फोर हो जाएंगे और उस जगह पे हम इंफॉर्मेशन लिख देंगे आइए अब हम एक नई टॉपिक पे बात करते हैं मेमोरी एक्सपेंशन बेसिकली जब आप एक डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो उसकी अपनी एक मेमोरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं सो so, कोई भी डिजिटल सिस्टम होगा उसको रैम चाहिए उसको रोम चाहिए उसको पैप्स बफर्स चाहिए उसको स्टैक चाहिए मेमोरी कितनी चाहिए रैम कितनी चाहिए बेसिकली डिपेंड करता है कि कितना लंबा प्रोग्राम है या कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके डिजिटल सिस्टम ने एग्जीक्यूट करनी है या कितना कितना डाटा है इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो कहाँ कितना पड़ा हुआ सो so, रैम का साइज़ इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा इसी तरह रॉम जो है बेसिकली डिपेंड करता है कि जब आप सिस्टम को बूट करते हैं तो आपने क्या इंस्ट्रक्शन देख देनी है ताकि वो अपने आप को एनिशलाइज़ करे थोड़ी इंस्ट्रक्शन हैं तो ऑफकोर्स राम छोटा होगा अगर ज़्यादा इंस्ट्रक्शन हैं रॉम बड़ा होगा इसी तरह अगर आपने कोई टेबल इंप्लीमेंट करना है बहुत सारे टेबल्स इंप्लीमेंट करना है तो आपको बहुत सारे रॉम स्पेस चाहिए होगी अगर एक दो टेबल्स हैं तो एक छोटी रॉम से आपका काम हो जाएगा इस तरह अगर आपने बफर्स इंप्लीमेंट करने डिपेंड करता है आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कितनी डिवाइसेस हैं जो डाटा कम्युनिकेट कर रही हैं तो अगर बहुत सारी डिवाइसेस हैं तो आपको बहुत सारे बफर्स चाहिए अगर डाटा का साइज़ ज़्यादा है मतलब दैट मींस उसका रेट ज़्यादा है ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो आपको बफर की डेप्थ भी ज़्यादा चाहिए ताकि बहुत सारा डाटा टम्परेली उसमें स्टोर कर किया जा सके इस दिन अगर स्टैक इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपने लास्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी जो है वो भी इम्प्लीमेंट करनी होगी दो तरीके हमने पढ़े थे या तो वो शिफ्ट रजिस्टर से इंप्लीमेंट कर सकते हैं या रैम के तौर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बेसिकली ये सारी जो रैम है ये आप किस फॉर्म में इम्प्लीमेंट करेंगे किस फॉर्म से मुराद ये है कि जब आप मार्केट से मतलब कोई एक रैम परचेज़ करते हैं तो उसका तो फिक्स साइज है आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है तो आप ज़रूरी नहीं कि जो मार्केट से आपको मेमोरी मिलती है वो उसी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरे जैसे कि हमने बताया कि आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है और जो मेमरी जिस फॉर्म में अवेलेबल है वो ऑफकोर्स डिफरेंट है मेमोरी जो अब तक हमने डिस्कस किए वो बेसिकली उसके तो करेक्ट्रिस्टिक्स हैं कि भाई वो रीड राइट होनी चाहिए डेंसिटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए नॉन वॉलीटाइल होनी चाहिए इसके अलावा जो हमने पैरामीटर्स शुरू में डिस्कस किए थे कि कितना डाटा वो स्टोर कर सकती है दैट मीन्स कैपेसिटी कैपेसिटी बेसिकली डिपेंड करती है उस डाटा यूनिट साइज़ पे लेट्स से एक बिट पर लोकेशन स्टोर करती है या नेबल स्टोर करती है या बाइट स्टोर करती है और लोकेशंस कितनी है मेमोरी की दट इज़ सपोज़ के आप कि जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट जो है वो है फोर किलो वर्ड्स दैट मीन फोर किलो लोकेशन हैं हर लोकेशन में एक वर्ड स्टोर करना है दैट मीनस सिक्सटीन बेट्स स्टोर करनी है अब मेमरी जरूरी नहीं है कि मतलब हर किस्म की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें जो मेमरी लट से अवेलेबल है वो फोर किलो बाइट की मेमरी है सो so, आपने इस फोर किलो बाइट की मेमरी को कैसे यूज करना है ताकि आपकी सिस्टम के जो रिक्वायरमेंट है फोर किलो वर्ड्स की वो फुलफिल हो बेसिकली ये करना होगा कि दो आपको फोर किलो बाइट की मेमोरीज चाहिए होंगी उनको पैरेलल में कनेक्ट करना होगा दैट मींस हर लोकेशन पे एक ही लोकेशन पे दो बाइट्स स्टोर हों सो so, इस तरह आपकी जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो फुलफुल फुलफ़िल हो जाएगी फोर किलो वर्ड की इस तरह अगर से आपका एक और डिजिटल सिस्टम है जिसका प्रोग्राम जो है जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एट किलो बाइट पे आ रही हैं अब मेमोरी जो अवेलेबल है वो फोर किलो बाइट की है तो अब क्या करेंगे बेसिकली अगेन दो फोर किलो बाइट मेमरी चिप्स आप कनेक्ट करेंगे और वो इस तरह कनेक्ट करेंगे कि वो टोटल मेमोरी जो है एट किलो बाइट बने ना कि फोर किलो वर्ड बने सो so, वही दो चिप हैं उनको आप डाटा यूनिट जो साइज़ है वो बाइट से अगर वर्ड करना चाहें तब भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और अगर टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस इंक्रीज करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं तीसरा एक इम्पॉर्टेंट जो इशू है वो बेसिकली है बेस एड्रेस देखें अब कोई भी मेमोरी जो हम इम्प्लीमेंट की है या जिनका हम जिनका स्ट्रक्चर हमने देखा हम कह रहे हैं कि पहला पहली लोकेशन है उसको एड्रेस जीरो कह देते हैं नेक्स्ट लोकेशन है उसका एड्रेस वन हो गया लास्ट लोकेशन है उसका एड्रेस एन हो गया सो लेट अस सपोज दो आइडेंटिकल मेमोरीज हैं वही फोर के की एग्जाम्पल ले लें फोर किलो का एक चिप है और फोर किलो का दूसरा चिप है अब दोनों की पहली लोकेशनज हैं उनका एड्रेस ज़ीरो है नेक्स्ट का दोनों चिप्स में एड्रेस वन है इसी तरह लास्ट जो एड्रेस है वो फोर के वाला एड्रेस होगा अब बेसिकली जब आप सिस्टम में ये मेमरीज कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर उधर एक्चुअली इनका एड्रेस क्या होना चाहिए जैसे हमने दूसरी एग्जांपल कंसीडर की थी कि लेट अस सपोज कि आपके जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं वो एट किलो में आ रही हैं सो दैट मीन्स दो फोर किलो के मेमरी चिप्स जो हैं वो आप इस तरह कोनेक्ट करेंगे ताकि टोटल स्पेस जो है आपके पास मेमरी स्पेस जो है वो एट किलो हो जाए सो दैट मीन्स पहली फोर किलो बाइट चिप जो है उसका बेस एड्रेस ज़ीरो से स्टार्ट होगा और वो फोर के तक जाएगा इसी तरह जो सेकेंड फोर के च्रिप है उसका फोर के के नेक्स्ट जो लोकेशन है उससे फोर के प्लस वन आप कह लें फोर के प्लस वन एड्रेस से एड्रेस शुरू होगा और एट के पे ख़त्म होगा सो so, इनिशियली जैसे हमने देखा इंप्लीमेंटेशन में भी हम डिस्कस करते रहें कि कोई हम एड्रेस एलोकेट नहीं किया हो हम सिंपली ये कह रहे हैं कि पहला जो एड्रेस है वो ज़ीरो है सो so, ये बेस एड्रेस कैसे हम असाइन करेंगे ये बेसिकली असाइन ऐसे होता है कि हम एक वक्त में बेसिकली एक लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं दैट मीन्स एट किलो बाइट जो मेमोरी हमने इम्प्लीमेंट की है यूजिंग दो किलो बाइट चिप्स लेट्स से एक ऐसा एड्रेस हम सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि पहले वाले फोर किलो बाइट चिप में है दैट मीन्स सेकेंड जो फोर किलो बाइट चिप है उसको हमने सेलेक्ट नहीं किया उसको एक्सेस नहीं कर रहे जैसे कि आपको मालूम है हर मेमरी का एक चिप सेलेक्ट लाइन होती है जिससे आप एक मेमरी को सिलेक्ट कर रहे हैं सो so, अगर लोकेशन जो है पहली मेमोरी में है तो आपने उस मेमोरी को सिलेक्ट करना है दैट मीन उसका चिप सिलेक्ट जो सिग्नल है वो एक्टिव होगा और दूसरी जो फोर किलो बाइट मेमरी है जो कि उस एड्रेस स्पेस को फोर के प्लस वन से एट के तक स्पेसिफाई कर रही है या एड्रेस कर रही है वो सिलेक्टेड नहीं है इसी तरह कोई और एड्रेस है जो कि सिक्स किलो बाइट वाली लोकेशन में आ रहा है जो एड्रेस है सिक्स के का है अब ये जो एड्रेस है सेकेंड वाले चिप में है पहले वाले चिप में ये एड्रेस नहीं है सो दैट मीन्स पहला वाला चिप जो है वो डिसलेक्ट कर दिए उसकी चिप सेलेक्ट लाइन इनएक्टिव है और दूसरा वाला चिप जो है उसकी चिप सेलेक्ट लाइन एक्टिवेट होगी इससे पहले कि इन पर ज़रा मजीद डिस्कशन शुरू करें आइए पहले बात करते हैं मेमरी मैप की मेमरी मैप बेसिकली हम कहते हैं कि जो भी सिस्टम है डिजिटल सिस्टम हो जाए कंप्यूटर सिस्टम है उसकी टोटल मेमरी रिक्वायरमेंट कितनी है जैसे कि हमने शुरू में बताया था किसी डिजिटल सिस्टम में आपको रैम भी चाहिए रोम भी चाहिए बफर्स भी आपने इम्प्लीमेंट करने हैं आपको स्टैक भी इम्प्लीमेंट करना है सो डिफरेंट टाइप की चीज़ें आपने इंप्लीमेंट करनी हैं अब ये जितने भी रैम है जितने भी रोम कोनेक्ट किए हैं या स्टैक कनेक्ट किया है या बफर्स कोनेक्ट किए हैं इन सारों के यूनिक एड्रेसेस हैं तो हर एक यूनिक एड्रेस पे या तो एक रैम सेलेक्ट हो जाएगी रैम लोकेशन सेलेक्ट होगी या रोम लोकेशन सेलेक्ट होगी या बफर की एक लोकेशन सेलेक्ट होगी सो बेसिकली ये रैम रोम बफर जो हैं किन एड्रेस के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं ये कैसे डिटर्मिन करेंगे ये एक मेमरी मैप से डिटर्मिन होंगे जब भी आप एक डिजिटल सिस्टम स्पेसिफाई करते हैं डिजाइन करते हैं तो आपने उनकी लोकेशन बतानी होती है सो लेटर सपोज के एक सिस्टम है जिसकी टोटल मेमरी जो है वन मेगा बाइट है दैट मीन्स वन मेगा लोकेशन है जो डिजिटल सिस्टम है उसमें जो भी कंट्रोलर चिप लगा हुआ है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहेंगे बेसिकली उसने सारे एड्रेस जनरेट करने हैं सो माइक्रो प्रोसेसर की कैपेबिलिटी है एक खास डिजिटल सिस्टम में कि वो वन मेगा लोकेशंस के एड्रेसेस जनरेट कर सकता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी इसी तरह होता है एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है वो डिफरेंट एड्रेसेस जनरेट करता है तो जितने भी उसके एड्रेसेस हैं या जो भी एड्रेस रेंज है वो डिटर्मिन करता है कि कितनी मेमरी उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं सो बेसिकली मेमरी मैप में रोम की रैम की बफर्स की जो भी डिवाइस मेमरी डिवाइसिस या स्टोरेज डिवाइसिस आपने उस सिस्टम के साथ यूज़ करनी है उनका मैप होगा कि कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ पर यह ख़त्म हो रही है और ऑफ़कोर्स इसका साइज़ कितना है आइए देखते हैं मेमोरी मैप एक कंप्यूटर सिस्टम का या एक डिजिटल सिस्टम का जिसकी टोटल एड्रेसेबल स्पेस जो है वो वन मेगाबाइट है डायग्राम में एक डिजिटल सिस्टम का मेमोरी मैप दिखाया गया जिस का साइज है वन मेगाबाइट अब इस वन मेगाबाइट मेमोरी स्पेस को हमने डिवाइड कर दिया है इनटू सिक्सटीन सिक्सटी फोर किलो बाइट स्पेसिस या ब्लॉक्स जैसे कि डायग्राम हमें नज़र आया पहला जो सिक्सटी फोर किलो बाइट का ब्लॉक है वो हमने रिज़र्व कर लिया है रोम के लिए अब ज़रूरी नहीं है कि सिक्सटी फोर किलो बाइट की रोम लगाई जाए कम भी लगाई जा सकती है ये सिंपली हमने वन मेगा बाइट स्पेस को ब्लॉक्स में डिवाइड किया और एक ब्लॉक जो है सिक्सटी फोर के का है जो हम रिज़र्व कर रहे हैं रोम के लिए नेक्स्ट जो ब्लॉक दिखाया गया वो अगेन 64 किलोबाइट का है और ये हमने डाटा के लिए रिजर्व किया है सो so, डाटा अगर स्टोर करना है या चेंज करना है तो इधर रैम लग जाएगी अगर परमानेंटली डाटा स्टोर करना है सो तो एक इधर राम लगाई जा सकती है इसी तरह जो थर्ड ब्लॉक है सिक्सटी के का उसमें हमने बताया हुआ कि ये प्रोग्राम ब्लॉक है दैट मीन्स इंस्ट्रक्शनज हैं प्रोग्राम हम स्टोर कर रहे हैं सो दैट मीन्स इस ब्लॉक में हमने रैम कनेक्ट करनी है इधर राम कनेक्ट नहीं होगा एंड में एक और 64 के ब्लॉक दिखाया गया और जिस पे हमने लिखा हुआ है स्टैक बेसिकली एक 64 किलोबाइट का स्टैक हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे या रिट्रीव करेंगे वो इस लोकेशन पे होगी स्टैक टॉप जो है वो इसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा बीच में बहुत सारे ब्लॉक्स जो हैं वो वेकेंट हैं इनमें हमने बेसिकली ना कोई रैम कनेक्ट की है ना कोई रोम कनेक्ट की है फ्यूचर में इन ब्लॉक्स को हम यूज़ कर सकते हैं इधर रैम ऐड कर सकते हैं दैट मीनस रैम हम इंक्रीज़ कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे हमने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन डिफरेंट ब्लॉक्स के बेस एड्रेसेस सो सबसे पहले जो ब्लॉक है सिक्सटी के का जो रोम के लिए हमने रिजर्व किया हुआ है उसका जो स्टार्ट एड्रेस है वो हैक्स में ज़ीरो 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 जीरो ज़ीरो दिया हुआ सो so, सारी ट्वेंटी बिट्स जो हैं क्योंकि वन मेगाबाइट है वन मेगाबाइट को एड्रेस करने के लिए ट्वेंटी एड्रेस लाइन्स चाहिए सो so, सारी की सारी अगर ज़ीरो होंगी दैट मींस हम इस पहले वाले ब्लॉक को एक्सेस कर रहे हैं दूसरा जो ब्लॉक है उसका स्टार्ट एड्रेस जो है हेक्स में वन ज़ीरो 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 दिया हुआ है सो दैट मीन्स वन जीरो ज़ीरो 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 जो है इसका स्टार्ट एड्रेस होगा और इससे ऊपर जो एड्रेसेस हैं टू जीरो ज़ीरो 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 तक ये सारे इस ब्लॉक में होंगे जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है तीसरा जो ब्लॉक है जहां प्रोग्राम स्टोर होगा या रैम लगेगी उसका स्टार्ट एड्रेस जो है वो हैक्स में टू ज़ीरो 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 जीरो से स्टार्ट होता है और इस ब्लॉक का जो एंड एड्रेस है वो थ्री ज़ीरो 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 माइनस वन से हो रहा है क्योंकि थ्री जीरो 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 जो है वो नेक्स्ट ब्लॉक का स्टार्ट एड्रेस है इसी तरह जो लास्ट ब्लॉक है सिक्सटी फोर किलो बाइट का जिसमें स्टैक हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ उसका स्टार्ट एड्रेस जो है एफ ज़ीरो जीरो 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 जो कि हेक्स में दिया हुआ अभी हमने एक मेमरी मैप देखा जो कि एक डिजिटल सिस्टम की टोटल मेमरी रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर में भी इसी तरह होगा माइक्रो प्रोसेसर हमने बताया कि वो एड्रेसेस जनरेट करता है उसके एड्रेस रेंज क्या है वो टोटल मेमोरी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करेगा सो so, इस केस में माइक्रो प्रोसेसर जो है या डिजिटल सिस्टम का जो कंट्रोलर है वो वन मेगा बाइट वन मेगा के एड्रेस जनरेट कर रहा है हर एड्रेस पे एक बाइट हम बेसिकली स्टोर कर रहे हैं आइए अब हम देखते हैं कि डिफरेंट जो रोम रैम स्टैक हमने दिखाए थे इनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम रिज्यूम करते हैं पहले एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं लेट सपोज कि हमारे पास दो मेमोरी चिप हैं और दोनों मेमोरी चिप्स जो हैं वो फोर लोकेशन के हैं और हर लोकेशन जो है फोर बेड स्टोर कर रही है सो so बेसिकली पहला जो चिप है फोर लोकेशन फोर बेड है फोर नेबल स्टोर कर रहा है दूसरा भी चिप यही काम कर रहा है फोर लोकेशन है हर लोकेशन पे एक नेबल स्टोर कर रहा है अगर हमारी रिक्वायरमेंट है सिस्टम की कि भाई फोर लोकेशन पे एट बिट स्टोर करनी है या बाइट स्टोर करनी है तो बेसिकली क्या करेंगे अगर आप मेमोरी को विजुलाइज करें उसके एड्रेस सिग्नल्स थे उसके डेरा सिग्नल्स थे रीड राइट लाइन थी अगर रैम है और चिप सेलेक्ट लाइन थी सो so, अगर हमने इन दो चिप्स को ऐसे कनेक्ट करना है कि हर एड्रेस पे बजाय ये कि एक बाइट हम एक्सेस करें रीड राइट कर, कर सकें एक रेदर निबल कर सकें हम बाइट करना चाह रहे हैं सो बेसिकली कनेक्शन क्या होगा चारों जो एड्रेस हैं दोनों चिप्स के वो साइमल्टेनियसली एक्सेस होने चाहिए सो दैट मीन्स एड्रेस लाइंस अब एड्रेस लाइंस कितनी होंगी क्योंकि हर चिप में चार लोकेशंस हैं तो दो बेट एड्रेसेस के हैं सो ए ज़ीरो ए वन हम दो एड्रेस लाइंस कहेंगे अगर दोनों जीरो ज़ीरो हैं तो पहली लोकेशन सेलेक्ट हो रही है जीरो वन है दूसरी लोकेशन वन जीरो है तीसरी लोकेशन और वन वन जो है चौथी लोकेशन सो so, दोनों चिप्स के जो दो एड्रेस लाइंस हैं वो आपस में कनेक्ट कर देंगे सो दैट मीन्स जीरो ज़ीरो है तो दोनों चिप्स की जो पहली लोकेशंस हैं वो साइमल्टेनियसली सिलेक्ट हो जाएंगी अगर दोनों एड्रेस लाइंस पे वन वन है तो आखिरी वाली जो लोकेशंस हैं दोनों चिप्स की वो साइमल्टेनियसली uh, सिलेक्ट हो जाएंगी डाटा लाइन्स जो हैं वो कितनी होंगी पहला जो चिप है उसकी चार डाटा लाइंस होंगी क्योंकि हर लोकेशन पे हम चार बेट्स स्टोर कर रहे हैं सो so, पहले लोकेशन को सिलेक्ट किया उधर इन्फॉर्मेशन हमने अगर पढ़नी है रीड करनी है सो so, चार डाटा लाइंस के थ्रू हम रीड करेंगे अगर कोई चीज़ उधर लिखनी है राइट करनी है सो so, चार डाटा लाइंस के थ्रू हम राइट करेंगे सो so, अगेन क्योंकि हमने इम्प्लीमेंट करनी है एट बिट मेमोरी दैट मीन्स हर लोकेशन पे एट बिट्स हम रीड राइट कर सकें तो डाटा लाइंस को क्या करेंगे उनको आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे उनको सेपरेट रहने देंगे सो so, एक जो चिप है वो लो निबल को स्पेसिफाई करेगा या एक्सेस करेगा और दूसरा जो चिप है वो अपर निबल को अपर फोर बिट्स को एक्सेस करेगा सो एड्रेस लाइन्स आपस में मिला दी डाटा लाइन्स को हम सेपरेट इंडिपेंडेंट रख रहे हैं रीड राइट लाइन को क्या करना है बेसिकली हम जो है दोनों मेमोरीज को इस तरह यूज़ करना चाह रहे हैं जब हम रीड करें तो दोनों लोकेशन से दोनों मेमोरी की पहली लोकेशन लत से साइमल्टेनियसली इंफॉर्मेशन रीड कर सकें इस तरह अगर हम राइट सिग्नल को एक्टिवेट करते हैं दैट मीन्स जो भी सिलेक्टेड एड्रेस है दोनों मेमरीज़ में उधर हम साइमल्टेनियसली एक एड बेड जो है वैल्यू वो लिख सकें सो बेसिकली रीड राइट जो सिग्नल है दोनों मेमरीज का वो इकट्ठा कनेक्ट होगा सो so, दोनों जो हैं मेमरीज या तो रीड कर रही होंगी या राइट कर रही होंगी अब रह गया चिप चिप्सलेक्ट दोनों जो चिप्स हैं उनके चिप सेलेक्ट सिग्नल है वो आपस में कैसे कनेक्ट करना है जैसा कि हमने बताया कि दोनों मेम्बरीज की लोकेशन साइमल्टेनियसली एक्सेस होनी है दैट मीन्स दोनों को साइमल्टेनियसली सिलेक्ट हो करना पड़ेगा दैट मीन्स चिप सेलेक्ट सिग्नल भी दोनों का आपस में कनेक्टेड है सो so, समरी क्या होगी दो चिप्स हैं फोर लोकेशंस ईच फोर बिट पर लोकेशन स्टोर कर रहा है हमने मेमोरी क्या इंप्लीमेंट करनी है फोर लोकेशन एंड एट बिट पर लोकेशन सो दैट मींस दोनों के एड्रेस लाइंस आपस में कनेक्ट कर दिए डाटा लाइंस वो सेपरेट रखी रीड लाइन राइट लाइन जो है आपस में कनेक्ट कर दी और चिप्स सेलेक्ट लाइन कनेक्ट कर दी आइए देखते हैं कि हम फोर के मेमरीज के साथ ये कैसे कनेक्ट कर रहे हैं डायग्राम में हम देखते हैं डिफरेंट एड्रेस लाइन एड्रेस लाइन्स डाटा लाइन्स आपस में कैसे कोनेक्टेड हैं डायग्राम में दो फोर के बाइट रैम्स दिखाई गई हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं इन दो फोर किलो बाइट रैम्स को इस तरह कनेक्ट किया ताकि ये फोर किलो लोकेशंस में एक वर्ड को स्टोर करें सो so फोर किलो वर्ड रैम बेसिकली हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फोर किलो बाइट रैम जो है उसकी ट्वेल्व एड्रेस लाइंस हैं ए जीरो से लेके ए तक फोर के को एक्सेस करने के लिए बेसिकली आपको बारह एड्रेस लाइन्स चाहिए सो so, क्योंकि दोनों फोर किलो बाइट के चिप जो हैं आइडेंटिकल हैं दोनों की ट्वेल्व एड्रेस लाइंस हैं ए ज़ीरो से एलेवन अब हर लोकेशन पे एट बिट स्टोर हो रही हैं अब क्योंकि हम सिक्सटीन बिट स्टोर करना चाह रहे हैं दैट मींस पहली रैम जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जिसको हम अपर बाइट कह रहे हैं और दूसरी जो रैम है राइट हैंड साइड पे जिसमें हमने लोअर बाइट स्टोर करनी है इन दोनों की एक जैसी लोकेशन जो हैं साइमल्टेनियसली सेलेक्ट होंगी सो दैट मीन्स दोनों की एड्रेस लाइन्स आपस में कनेक्टेड हैं जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था क्योंकि हम वर्ड स्टोर कर रहे हैं या वर्ड को एक्सेस कर रहे हैं दैट मीन्स अपर जो बाइट है उधर से हम एट बिट इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकेंगे और इसी तरह जो लोअर बाइट है उधर भी हम ऐट बिट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकेंगे दोनों की जो डाटा लाइन्स हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं की गई सो so, लोअर जो बाइट है वो हमें प्रोवाइड कर, कर रही है इन्फॉर्मेशन से D7 सेवन लोअर बाइट और जो अपर बाइट है वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है डी से D15 फिफ्टीन या अपर बाइट सो बेसिकली ये सिक्सटीन बिट इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है रीड राइट लाइन क्योंकि दोनों चिप्स में जो अपर बाइट है और लोअर बाइट चिप है दोनों में इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली या हमने रीड करनी है या राइट करनी है फोर रीड राइट लाइन दोनों चिप्स की आपस में कनेक्टेड है सो अगर रीड करेंगे दोनों से रीड करेंगे अगर राइट करेंगे दोनों में राइट करेंगे चिप्स जो सिग्नल है एक्टिव लो दिखाया गया वो भी दोनों चिप्स के साथ कोनेक्टेड है जैसा कि हमने अभी बताया है जो भी मेमरी लोकेशन एक चिप में सिलेक्ट होगी वही मेमरी लोकेशन दूसरे में सिलेक्ट होगी और दोनों को साइमल्टेनियसली हमने एक्सेस करना है दोनों जो रैम्स हैं वो उसी सूरत में साममल्टेनियसली एक्सेस होंगी जब आप दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे सिलेक्शन कैसे होगी चिप सेलेक्ट सिग्नल के थ्रू अब हम बात करते हैं कि हम दो मेमोरी चिप्स को आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे ताकि टोटल नंबर ऑफ लोकेशन जो हैं वो बढ़ जाएं। वही मेमोरी मैप को अगर आप देखें उसमें एक 64 किलोबाइट हमने ब्लॉक रिजर्व किया है प्रोग्राम मेमोरी के लिए लेट अस सपोज कि हमारे पास दो 32 किलोबाइट चिप्स हैं हमने इम्प्लीमेंट करनी है 64 फोर किलो बाइट मेमरी स्पेस जहाँ हमने प्रोग्राम स्टोर करना है सो so, ये दो थर्टी टू किलो बाइट चिप्स को कैसे आपस में जोड़ेंगे ताकि हमारे पास 64 फोर किलो बाइट रैम स्पेस आ जाए बेसिकली इसको समझने के लिए अगेन वही एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं लेट अस सपोज कि आपके पास वही दो चिप्स हैं फोर लोकेशन ईच हर जो चिप है वो फोर बेड्स को स्टोर कर रहा है सो so, बेसिकली हमारे पास जो जो हमने करना है हमने दो फोर लोकेशन चिप्स को ऐसे जोड़ना है ताकि हमारे पास एट लोकेशंस आ जाएं और हर लोकेशन में फोर बेड्स स्टोर हों अगेन वापस हुई एड्रेस लाइंस के बारे में ज़रा सोचें डाटा लाइंस के बारे में सोचें रीड राइट लाइन है और चिप सेलेक्ट लाइन है दोनों जो फोर लोकेशन चिप्स हैं जो फोर बेड डाटा स्टोर कर रहे हैं हर लोकेशन पे दो एड्रेस लाइन्स हैं और चार डाटा लाइन्स हैं अब क्योंकि हमने मेमोरी की लोकेशंस को बढ़ाना एक्सपेंड करना, करना है डबल करना है सो एड्रेस लाइंस जो हैं वो बढ़ जाएंगी चार से आठ हो रही हैं कितनी एड्रेस लाइंस चाहिए बेसिकली चार से आठ लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए आपको बेसिकली तीन एड्रेस लाइंस चाहिए सो so, पहले मेमोरी की जो दो एड्रेस लाइन्स हैं और दूसरी मेमरी की दो एड्रेस लाइन्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देना तो लेट्स ज़ीरो ज़ीरो जब आप भेजेंगे तो जीरो ज़ीरो पहली मेमोरी का पहला लोकेशन भी सिलेक्ट करेगा और दूसरी मेमोरी का पहला लोकेशन भी सिलेक्ट करेगा ना वी नो के एट एनी गिवन टाइम एक ही एड्रेस सिलेक्ट होना है। सो so इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि जो जीरो एड्रेस है पहली वाले का है या दूसरे वाले का बेसिकली हम चिप सेलेक्ट सिग्नल को यूज़ कर रहे हैं चिप सेलेक्ट सिग्नल जो है वो बेसिकली जो तीसरी एड्रेस लाइन है जैसा कि हमने बताया था कि मेमोरी एड्रेसेस डबल हो रहे हैं चार से आठ हो रहे हैं तो हमें तीन एड्रेस लाइंस चाहिए ए ज़ीरो ए वन एंड ए टू ये जो ए टू एड्रेस लाइन है ये कहाँ से आएगी बेसिकली जो आपका कंट्रोलर है या माइक्रो प्रोसेसर है उसकी एड्रेस से उसकी एड्रेस जो आउटपुट प्रिंस हैं उधर से आ रही हैं सो so ये जो चिप सेलेक्ट है पहली मेमरी चिप का दूसरे मेमरी चिप का वो इस ए टू लाइन के साथ कनेक्टेड होगा सो पहले वाला जो चिप है वो लत से चिप सेलेक्ट जो है एक्टिव लो है सो ए टू लाइन उस चिप सेलेक्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी और दूसरा जो चिप है उसका चिप सेलेक्ट सिग्नल जो है ए टू लाइन के साथ कनेक्ट होगा थ्रू ए नॉट गेट अब आप दोबारा इस पे सोचिए अगर ए ज़ीरो ज़ीरो है ए वन ज़ीरो है और ए टू ज़ीरो है सो बेसिकली ए ज़ीरो और ए वन दोनों ज़ीरो हैं तो पहली लोकेशन पहले चिप में और पहली लोकेशन दूसरे चिप में दोनों सेलेक्ट हो रही हैं अब क्योंकि A2 भी जीरो है और A2 जो है चिप सेलेक्ट लाइंस के साथ कनेक्टेड है तो पहले वाला चिप जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा दैट मीन्स उसकी पहली लोकेशन हम एक्सेस कर रहे हैं दूसरा जो चिप है क्योंकि उसकी चिप सेलेक्ट लाइन जो है नॉर्थ गेट के साथ कनेक्टेड है नॉर्थ गेट जो है वो ए टू एड्रेस लाइन के साथ कनेक्टेड है ए टू लाइन पे ज़ीरो है सो so ये इन्वर्ट करके वन कर देगा अब चिप सेलेक्ट क्योंकि एक्टिव लो है दैट मीन्स सेकेंड जो चिप है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा सो दैट मीन्स जीरो जीरो ज़ीरो एड्रेस पे पहले चिप की फोर जिसकी लोकेशन है उसके पहला एड्रेस सेलेक्ट हो रहा है इस तरह अगर हम 001 अप्लाई करते हैं 00 जीरो दैट मीन्स ए जो है एड्रेस लाइन वो जीरो है ए जो है वो जीरो ए टू जो है वो वन है अब क्या होगा बेसिकली ए ज़ीरो और ए वन दोनों जीरो हैं दैट मीन्स थ्योरेटिकली दोनों चिप्स के पहले एड्रेस सेलेक्ट होने चाहिए अब ए टू क्योंकि वन है तो पहला चिप जो है उसका चिप सेलेक्ट इनएक्टिव होगा वो सेलेक्ट नहीं होगा दूसरा चिप जो है जिसके ए टू लाइन थ्रू ए नॉट गेट लगी हुई है सो नॉट गेट के आउटपुट पर ज़ीरो आ जाएगा दूसरा चिप सेलेक्ट हो जाएगा सो दैट मीन्स वन जीरो ज़ीरो जो है वो चौथी लोकेशन जो है सेलेक्ट कर रहा है चौथी लोकेशन जो होगी जीरो वन टू थ्री पहले चिप में आ रही हैं फोर फाइव सिक्स सेवन लोकेशन जो है वो नेक्स्ट चिप में आ रही हैं सो बेसिकली लोकेशन बढ़ाने के लिए एड्रेस लाइंस आपस में कनेक्ट कर दी और दोनों के चिप सेलेक्ट जो हैं वो एक नेक्स्ट एड्रेस लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे थ्रू ए नॉट गेट डाटा लाइंस के साथ क्या करना है बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि एक लोकेशन को एट ए टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं सो so, एक लोकेशन को जब आप सेलेक्ट करेंगे उधर कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है फोर बिट्स स्टोर हुए हैं so, सो पहले चिप की कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर लें या दूसरी चिप की कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर लें आपको फोर बिट्स एक्सेस होंगी रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं सो so, दोनों चिप्स की जो फोर बिट डाटा लाइंस हैं वो आपस में कनेक्टेड होंगी सो आउटपुट जो है डी ज़ीरो से लेके डी थ्री होगा अब रीड राइट को क्या करना है बेसिकली हम या तो रीड तो करते हैं या राइट करते हैं दोनों चिप्स में हम रीड राइट कर सकते हैं तो दैट मीन्स दोनों चिप्स के जो रीड राइट सिग्नल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होंगे आइए इसको ज़रा देखते हैं डायग्राम की शक्ल में हम अगेन एग्जांपल जो ले रहे हैं फोर के मेमरीज को उनको आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि हमारे पास टोटल जो एड्रेसेबल स्पेस है वो एट के की आ जाए और एट के में बेसिकली एट बेड स्टोर करें हर लोकेशन पे एट बेड स्टोर करें डायग्राम में दो फोर किलो बाइट चिप्स दिखाए गए हैं जो कि आपस में कनेक्ट किए गए हैं ताकि हमारे पास टोटल मेमोरी जो है वो एट किलो बाइट हो दोनों फोर के चिप्स की एड्रेस लाइंस जो हैं वो ए ज़ीरो से एलेवन हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं एड्रेस लाइन ए ट्वेल्व कनेक्टेड है चिप सेलेक्ट सिग्नल्स के साथ सो so, पहला जो चिप है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है चिप सेलेक्ट जो सिग्नल है एक्टिव लो है सो दैट मीन्स ए ट्वेल्व लाइन जब जीरो होगी तो पहला वाला चिप सेलेक्ट हो जाएगा और दूसरा वाला जो चिप है उसका चिप सेलेक्ट सिग्नल कनेक्ट हुआ हुआ है ए ट्वेल्व लाइन के साथ थ्रू ए नॉट गेट सो दैट मीन्स ए ट्वेल्व लाइन जब वन होगी तो सेकेंड वाला चिप सेलेक्ट हो जाएगा सो so, पहले जो फोर के एड्रेसेज हैं वो पहली चिप एक्सेस uh, करेगा और जो नेक्स्ट फोर के एड्रेस हैं वो सेकेंड चिप एक्सेस करेगा दोनों जो फोर के चिप्स हैं वो हर लोकेशन पे एट बिट इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं सो so, इनकी एट बिट डाटा लाइंस होंगी जो कि आपस में कनेक्टेड हैं किसी एक इंस्टेंट में या तो जो लोकेशन है वो पहले चिप में होगी जो एक्सेस हम करना चाह रहे हैं जो लोकेशन जिस पे हम रीड या राइट करना चाह रहे हैं या दूसरी चिप में होगी देर दोनों की डाटा लाइन्स कोनेक्टेड हैं किसी एक इंटरवल पर पहले चिप से इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर सकते हैं या दूसरे चिप से रीड राइट जो सिग्नल है हम दोनों मेमोरी चिप में या इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं देरफोर जो रीड राइट सिग्नल है दोनों के रीड राइट सिग्नल्स के साथ कनेक्टेड है हमने दो एग्जाम्पल्स देखी और दोनों एग्जांपल्स के थ्रू हम बेसिकली मेमोरी को एक्सपेंड कर रहे हैं पहले केस में डाटा यूनिट साइज जो है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं दो मेमोरी चिप्स को ऐसे कनेक्ट किए ताकि हर लोकेशन पे जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है वो पहले से डबल हो गई है पहले अगर फोर बेड थी एट बेड होगी अगर एट बेड थी तो सोलह बेड कर रहे हैं दूसरी एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो टोटल नंबर ऑफ लोकेशन हैं उनको हम डबल कर रहे हैं सो बेसिकली मेमरी का साइज जो है लोकेशन वाइज वो डबल हो रहा है तीसरी ये लोकेशन हो सकती है ये आ, ऑप्शन हो सकती है कि जो डाटा यूनिट साइज़ है उसको भी इंक्रीज़ करें और जो लोकेशन हैं नंबर ऑफ लोकेशन हैं उनको भी इंक्रीज़ किया जाए सो बेसिकली अगेन उसी जो मेमोरी चिप को हम शो में यूज़ करते आ रहे हैं फोर लोकेशन हैं चिप में और हर लोकेशन फोर बिट्स को स्टोर कर रहा है सो so बेसिकली हमने जो मेमोरी को एक्सपेंड करना है ताकि हर लोकेशन पे एट बिट स्टोर हों बजाय के फोर बिट के और जो टोटल नंबर ऑफ लोकेशन हैं वो भी फ़ोर की बजाय आठ हो जाएं डबल हो जाएं सो बेसिकली कैपेसिटी को हम चार गुना बढ़ा रहे हैं उसमें बेसिकली ये कितने चिप्स होंगे चार चिप्स चाहिए हमें चार गुना बढ़ा रहे हैं तो चार चिप्स चाहिए इनको कनेक्ट कैसे करना है पहले दो चिप्स जो हैं हम बेसिकली उनको इस तरह कनेक्ट करेंगे ताकि एक लोकेशन पे चार बेड्स की जगह चा आठ बेड्स एक्सेस हो पाएँ सो उनकी दोनों की एड्रेस लाइंस आपस में कनेक्ट कर देंगे डाटा लाइंस जो हैं चार चार दोनों की उनको सेपरेट रखेंगे चिप सेलेक्ट्स दोनों के इकट्ठे जोड़ देंगे कनेक्ट कर देंगे इस तरह रीड राइट लाइन्स जो हैं वो भी आपस में कनेक्ट कर देंगे नेक्स्ट टू जो चिप्स हैं उनकी भी जो एड्रेस लाइंस हैं आपस में कनेक्टेड होंगी उनकी डाटा लाइंस सेपरेट होंगी उनके चिप्स सेलेक्ट आपस में कनेक्टेड होंगे रीड लाइन रीड राइट लाइंस भी आपस में कनेक्टेड होंगी पहले दो जो चिप्स हैं और जो नेक्स्ट टू चिप्स हैं उनको आपस में कैसे कनेक्ट करना है बेसिकली एड्रेस लाइन्स तो कॉमन है वो पहले दो चिप्स की जो कॉमन एड्रेस लाइन्स हैं और नेक्स्ट टू चिप्स की जो एड्रेस लाइन्स कॉमन है उनको आपस में कनेक्ट कर दिया है ऊपर दो चिप्स जो हैं उनकी जो एट डाटा लाइंस आ रही हैं वो नीचे वाले दो चिप्स की एट डाटा लाइंस के साथ आपस में कॉमन कर दी हैं सो so, टोटल जो एड्रेस डाटा लाइंस हैं वो हमारे पास आठ हैं रीड राइट लाइन दोनों की दो जो ऊपर हैं उनकी आपस में कनेक्टेड थी नीचे जो दो हैं उनकी आपस में कनेक्टेड थी उन सारों को आपस में जोड़ दिया है सो so, जब भी रीड करेंगे चारों की चारों जो मेमरी चिप्स हैं वो रीड के लिए एक्सेस होंगी और अगर राइट करना चाहें तो चारों की चार राइट के लिए एक्सेस होंगी चिप्सलेक्ट like जो सिग्नल है उसको कैसे कनेक्ट करना है जैसे कि हमने देखा कि इसमें जब हमने एक्सपेंड किया जो टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस हैं वो चार से बढ़ के आठ हो गई हैं सो आठ लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए हमारे पास तीन एड्रेस लाइंस होनी चाहिए ए जीरो ए वन एंड ए टू जो थर्ड एड्रेस बिट है ए टू जिसको हम कह रहे हैं बेसिकली वो या तो पहली दो मेम्बरी चिप्स को सिलेक्ट करेगा या जो दूसरी दो हैं उनको सिलेक्ट करेगा सो so, अगेन दोनों की जो चिप्स लेट कॉमन लाइन है वो ए टू के साथ कनेक्टेड हैं पहली दो जो चिप्स हैं उनके साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे हम रिज्यूम कर रहे हैं कि दोनों के चिप्सलेक्ट एक्टिव लो हैं और नीचे वाले दो चिप्स हैं जिनकी आपस में चिप्सलेक्ट लाइन्स आपस में कनेक्ट की हुई हैं वो ए टू लाइन के नॉट गेट के साथ थ्रू कुनेक्ट कर देंगे आइए इस सारे इंफॉर्मेशन को देखते हैं यूजिंग फोर के बाइट चिप्स डायग्राम में एट किलो वर्ड रैम इंटमेंट की गई है चार किलो बाइट रैम चिप्स के साथ सो so, चारों फोर किलो बाइट रैम चिप्स जो हैं उनकी एड्रेस लाइंस ए ज़ीरो से एवन हैं चारों की आपस में कनेक्टेड हैं दैट मीनस कोई भी एड्रेस भेजेंगे इन चारों में एक ही लोकेशन साइमल्टेनियसली एक्सेस हो रही है अब क्योंकि हमें डाटा लाइंस पे इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही यूनिक एड्रेस से चाहिए देव इनमें से कुछ जो चिप्स हैं वो एक दफ़ा सेलेक्ट होंगे और बाकी जो हैं वो सिलेक्ट नहीं होंगे ए e ट्वेल्व जो एड्रेस लाइन है वो पहले जो ऊपर वाले दो दिखाएंगे चिप्स उनकी चिप सेलेक्ट लाइन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है जो नीचे वाले दो चिप्स हैं उनके साथ कनेक्टेड है थ्रू नॉट गेट सो ए ट्वेल्व जब जीरो होगा ऊपर वाले दो चिप्स सेलेक्ट हो जाएंगे ए e ट्वेल्व जब वन होगा नीचे वाले दो चिप्स सेलेक्ट हो जाएंगे डाटा लाइन्स को अगर देखा जाए हम बेसिकली वर्ड इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं सो so, ऊपर वाले दो मेमोरी चिप्स जो हैं लोअर बाइट और अपर बाइट दोनों की डाटा लाइंस सेपरेट है इसी तरह जो नीचे वाले दो चिप्स हैं उनकी भी लोअर बाइट और अपर बाइट चिप की डाटा लाइंस जो हैं वो सेपरेट हैं ऊपर वाला और नीचे वाला अपर बाइट चिप उनकी डाटा लाइन्स आपस में जुड़ी हुई हैं और इसी तरह ऊपर वाला नीचे वाला लोअर बाइट चिप जो है उनकी भी डाटा लाइन्स आपस में जुड़ी हुई हैं क्योंकि A12 एड्रेस एड्रेस्ट या तो ऊपर वाले को सेलेक्ट करेगा या नीचे वाले को सिलेक्ट करेगा दैट मीन्स यहाँ तो ऊपर वाली लोकेशन से इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगी एक्सेस होगी या नीचे वाले चिप की एक पर्टिकुलर लोकेशन से इंफॉर्मेशन एक्सेस होगी रीड राइट लाइन जैसा कि दिखाया गया चारों चिप्स के साथ कनेक्टेड है अब हम बात करते हैं एड्रेस डी की एड्रेस डी बेसिकली हम जो एड्रेस है जो कि माइक्रो प्रोसेसर जनरेट कर रहा है उसको ऐसे तरीके से डी करेंगे जिसकी मदद से हम एक पर्टिकुलर मेमोरी चिप को सिलेक्ट कर पाएँ अब एक एग्जांपल को समझें अस सपोज कि हमारे पास 12 किलो बाइट रैम हमने इम्प्लीमेंट की हुई है विद द हेल्प ऑफ थ्री फोर किलो बाइट चिप्स सो so, तीन uh, चिप्स हैं फ़ोर किलो बाइट के वो आपस में इस तरह कनेक्टेड हैं कि टोटल मेमोरी हमारे पास ट्वेल्व किलो आ रही है अब जैसे कि आपको मालूम है किसी एक वक्त में एक ही लोकेशन से या डेट आप पढ़ सकते हैं या उस पर राइट कर सकते हैं तो या तो वो लोकेशन पहले वाले चिप में होगी पहला वाला जो फोर के चिप है या दूसरे वाला या तीसरे वाला सो दैट मीन्स किसी एक वक्त में या तो पहला वाला चिप सिलेक्ट होगा अगर उसकी लोकेशन में आपने रीड राइट करना है या दूसरा वाला चिप सिलेक्ट होगा अगर उसकी लोकेशन में अपने रीड राइट करना है या तीसरा वाला फोर किलो चिप सिलेक्ट होगा उसकी अगर लोकेशन में आपने रीड राइट करना है सो so, ये तीनों चिप्स जो हैं कैसे सिलेक्ट होंगे बेसिकली अगर बेस एड्रेस देखा जाए जो पहला वाला चिप है फोर किलो बाइट वो सिलेक्ट होगा जब भी आप एड्रेस जनरेट कर रहे हैं जीरो से लेके फोर के लोकेशंस तक जो सेकेंड वाला चिप है वो बेसिकली फोर के प्लस वन लोकेशन से लेके एट के लोकेशंस तक जो भी एड्रेस अगर जनरेट होता है तो उसके लिए उसको सिलेक्ट होना चाहिए इसी तरह जो तीसरा चिप है वो सिलेक्ट होना चाहिए अगर एड्रेस जो है एड्रेस बस पे आया एट के प्लस वन लोकेशन से ले ट्वेल्व के लोकेशन तक सो so बेसिकली ये लोकेशंस हम कैसे डिटरमिन करेंगे देखिए एड्रेस लाइंस पे डिफरेंट एड्रेसेस आ रहे हैं वो एड्रेसेस जो हैं हम उसके आगे कुछ डिकोडर लगा सकते हैं थ्री टू एट या फोर टू टू फोर या n टू एम अगर जनरलाइज़ करें तो n टू एम डिकोडर की मदद से हम एड्रेस को देख के कुछ आउटपुट लाइंस को सिलेक्ट कर सकते हैं अब ये जो आउटपुट लाइंस सेलेक्ट होंगी एम टू एन डिकोडर की वो बेसिकली इन तीनों चिप्स के चिप सेलेक्ट के साथ कनेक्टेड होंगी अगर हम डिकोडर यूज ना कर, करना चाहें तो हम डिस्क्रीट लॉजिक से एंड नॉ एंड एंड डिफरेंट गेट से हम उनकी मदद से भी एड्रेस डी बना सकते हैं उसमें आइए है एक एग्जांपल देखते हैं तीन फोर किलो बाइट चिप्स हैं डिफरेंट एड्रेस पे सिलेक्ट हो रहे हैं तो एड्रेस डिकोडर कैसे बनेगा वो देखते हैं डाइग्राम में तीन फ़ोर किलो बाइट रैम चिप्स दिखाए गए जो कि आपस में कनेक्टेड हैं सच दैट वी हैव ट्वेल्व किलो बाइट ऑफ रैम तीनों रैम्स के जो एड्रेस लाइंस हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं ए ज़ीरो से लेके एलेवन तक तीनों की जो डाटा लाइंस हैं एट बिट डाटा लाइंस हैं डी जीरो डी सेवन वो कॉमन डाटा बस के साथ कनेक्टेड हैं रीड राइट सिग्नल तीनों के साथ साइमल्टेनियसली कनेक्टेड हैं जो चिप सेलेक्ट लाइंस हैं तीनों की वो कनेक्टेड हैं एक टू टू फोर डी के आउटपुट पर डी के इनपुट पर हमने एड्रेस लाइन्स ए एंड ए कनेक्ट किए हुई हैं सो जब भी ए ट्वेल्व लाइन और ए थर्टीन लाइन जीरो जीरो होंगी चिप सेलेक्ट जीरो सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा जिसकी मदद से पहला वाला जो है एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे फोर किलो बाइट रैम चिप वो सिलेक्ट हो जाएगा अगर ए ट्वेल्व जो है वो वन है ए थर्टीन जीरो है सो दैट मीन्स चिप सेलेक्ट वन लाइन एक्टिवेट हो जाएगी चिप सेलेक्ट वन लाइन जो है दरमियान वाला जो फोर किलो रैम चिप है उसके चिप सेलेक्ट के साथ कनेक्टेड है सो ए ट्वेल्व वन होगा ए थर्टीन जीरो होगा सेकेंड वाला फोर किलो बाइट रैम चिप सेलेक्ट हो जाएगा इसी तरह अगर ए ट्वेल्व जीरो है ए थर्टीन वन है चिप सेलेक्ट टू लाइन एक्टिवेट हो जाएगी चिप सेलेक्ट टू लाइन जो है डी की वो कनेक्टेड है चिप सेलेक्ट लाइन फोर किलो रैम चिप की जो कि एक्सट्रीम राइट पर है सो दैट मीन्स ए थर्टीन वन हो ए ट्वेल्व जीरो हो इस एड्रेस पर तीसरा चिप हम सिलेक्ट कर रहे हैं अगर एक चौथा फोर किलो बाइट चिप होता उसका चिप सेलेक्ट जो है हम चौथी जो डी की लाइन है टू टू फोर डी की लाइन सी एस थ्री उसके साथ कनेक्ट कर देते सो जब भी ए टन होता ए थर्टीन वन होता चिप सेलेक्ट थ्री लाइन एक्टिवेट हो जाती चौथा जो फोर किलो बाइट रैम चिप है वो सिलेक्ट हो जाएगा डायग्राम में डिफरेंट गेट्स दिखाए गए हैं जिनके आउटपुट जो हैं वो एक्टिव लो हैं और इनकी मदद से हम चार डिफरेंट चिप्स को डिफरेंट टाइम्स में सेलेक्ट कर रहे हैं बेसिकली इन सारे गेट्स के इनपुट पे दो एड्रेस लाइंस कनेक्टेड हैं ए नाइन एंड ए टेन सो पहले वाले केस में और गेट जो दिखाया गया उसके इनपुट पे ए नाइन ए टेन है जब दोनों जीरो होंगे तब आउटपुट जीरो होगा दैट मीन्स चिप्स लाइक जीरो जो है वो ज़ीरो होगा या एक्टिव लो होगा अगर हमारा मेमोरी चिप जो है उसका एक्टिव लो चिप सेलेक्ट है उसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा सो so जब भी ए नाइन जीरो होगा ए टन जीरो होगा वो वाला चिप सेलेक्ट हो जाएगा इसी तरह नीचे जो है एक नाइन गेट दिखाया गया उसके इनपुट पे ए नाइन एन ए टेन एड्रेस लाइंस हैं जब ये दोनों वन होंगी तब इसका आउटपुट जो है वो ज़ीरो होगा दैट मीन्स चिप सेलेक्ट थ्री दैट मीन्स कोई भी मेमोरी चिप जिसको हमने सेलेक्ट करना है जब एड्रेस लाइन ए नाइन वन हो ए टेन वन हो तो उसको इस नाइन गेट के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा इस तरह चिप सेलेक्ट वन सिग्नल जनरेट करने के लिए एक नाइन गेट यूज़ किया गया और एक साथ में नॉट गेट चूज़ किया गया सो ए नाइन अगर वन हो और ए टेन ज़ीरो हो नॉट गेट उसको इन्वर्ट कर देगा वन कर देगा सो नाइन गेट के इनपुट्स पे दोनों वन है दैट मीन्स चिप सेलेक्ट वन सिग्नल जो है वो जीरो होगा इसी तरह चिप सेलेक्ट टू एक्टिव लो सिग्नल जनरेट करना है तो एक नाइन गेट यूज़ किया गया है और एक नॉट गेट यूज़ किया गया है ए नाइन अगर जीरो हो और ए टेन वन हो तब जो है सी एस टू सिग्नल एक्टिव लो होगा ये तो हो गया बेसिकली हम डिस्क्रीट लॉजिक के साथ गेट्स के साथ एड्रेस डिकोडर बना सकते हैं अगर हम टू टू फोर डिकोडर यूज करना चाहें उससे भी इसी किस्म के चिप्स सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं सो so, डायग्राम में एक टू टू फोर डी दिखाया गया जिसके दो इनपुट्स हैं ए नाइन और ए टेन एड्रेस लाइंस के साथ कनेक्टेड हैं चार आउटपुट्स हैं सी एस जीरो सी एस वन सी एस टू एंड सी एस थ्री चारों एक्टिव ग्लो हैं सो अगर ए नाइन ज़ीरो होगा ए टेन जीरो होगा चिप्स लाइक जीरो लाइन एक्टिवेट हो जाएगी ए अगर वन है ए टेन है तो लास्ट वाले चिप सेलेक्ट लाइन जो है चिप सेलेक्ट थ्री वो एक्टिवेट हो जाएगी सो दैट मीन्स अगर आपके पास चार फाइव वन टू बाइट के मेमोरी चिप्स हैं सो so पहला जो चिप है उसका चिप सेलेक्ट सिग्नल सी एस जीरो के साथ कनेक्ट हो जाएगा दूसरा जो फाइव वन टू बाइट का चिप है उसका चिप सेलेक्ट सिग्नल सी एस वन के साथ इस तरह तीसरा और जो चौथा फाइव वन टू बाइट का चिप है उनके दोनों के चिप सेलेक्ट लाइन्स जो हैं सी एस टू और सी एस थ्री के साथ कनेक्ट हो जाएंगी थ्री टू एट डी कोडर के इनपुट पे हमने कनेक्ट की हुई एड्रेस लाइंस ए थर्टीन ए एंड ए फिफ्टीन आउटपुट ऑफ कोर्स एट चिप सेलेक्ट लाइंस हैं सी एस जीरो एक्टिव लो से लेके सी एस सेवन एक्टिव लो सो बेसिकली हमारे पास अगर आठ फोर किलो बाइट के चिप्स हों सो ए थर्टीन ए और ए फिफ्टीन एड्रेस लाइन्स की मदद से और इस थ्री टू एट एड्रेस डी की मदद से हम इन आठ फोर के चिप्स में से एक पर्टिकुलर चिप को सिलेक्ट कर सकते हैं सो फॉर एग्जाम्पल अगर ए थर्टीन भी ज़ीरो हो ए फोरटीन भी ज़ीरो हो और ए फिफ्टीन भी ज़ीरो हो तो पहला वाला फोर के चिप सेलेक्ट होगा अगर ये तीनों एड्रेस लाइंस वन 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 हो तो आखिरी वाला फोर किलो चिप सेलेक्ट होगा अभी हमने डिफरेंट टेक्निक्स देखी मेमोरी को एक्सपेंड करने के लिए सो so बेसिकली हमने बताया था कि जब भी कोई डिजिटल सिस्टम बनाएंगे उसका एक मेमोरी मैप होगा जिसमें सारी जो रिक्वायरमेंट है डिफरेंट टाइप ऑफ मेमरीज की वो बताई जाएगी अब उस रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली जो भी चिप्स अवेलेबल हैं उनको हम यूज़ करेंगे और उनको डिफरेंट तरीक़ों से कनेक्ट करेंगे या तो उसकी डाटा यूनिट की डाटा uh, यूनिट का साइज़ है उसको बढ़ाएंगे या नंबर ऑफ लोकेशन है उनको बढ़ाएंगे या दोनों को बढ़ा सकते हैं तो तीनों तरीक़े हमने देखे थे दूसरी जो हमने बात की थी कि हर चिप का एक बेस एड्रेस होता है जिस बेस एड्रेस पर वो चिप सेलेक्ट होगा बेसिकली वो बेस एड्रेस कैसे जनरेट करते हैं हम हर चिप का चिप सेलेक्ट जो सिग्नल है उसको यूज़ कर रहे हैं सो बेसिकली मोस्ट सिग्निफिकेंट एड्रेस लाइंस जो हैं उनको हम एक एड्रेस डिकोडर सर्किट के इनपुट पे कनेक्ट करते हैं और एड्रेस डिकोडर का जो आउटपुट है उसकी मदद से उस पर्टिकुलर चिप को सिलेक्ट कर देते हैं आइए अब एक नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं एफ FPGA पी जी ए बेसिकली फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे हमने पी एल डी डिवाइसिस डिस्कस की थी पी एल डी डिवाइसिस की मदद से हम या तो कोई एक कॉम्बिनेशन सर्किट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं या एक सिक्वेंशल सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पी एल डी डिवाइसिस में डिफरेंट टाइप्स थी कैल डिवाइस थी पैल डिवाइस थी पी एल ए थी पी रॉम थी जो कि हम कुछ देर पहले हमने डिस्कस की थी जो पी एल डी डिवाइस हैं बेसिकली एक एंड गेट अरे होती है और उसमें एक और गेट अरे होती है जिनको हम प्रोग्राम कर सकते हैं जो भी डिफरेंट फंक्शंस हैं सम प्रोडक्ट फॉर्म्स में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हर डिवाइस के आउटपुट पे एक ऑलमैक सर्किट है या आउटपुट लॉजिक मॉड्यूल है जिसकी मदद से हम कुछ पिनस को आउटपुट के तौर पे कन्फिगर कर सकते हैं या इनपुट के तौर पे कन्फिगर कर सकते हैं या एंड और गेट अरे पे फीडबैक कर सकते हैं या हम उसको उस पूरे डिवाइस को एज़ ए सिक्वेंशल सर्किट के तौर पे कन्फिगर कर सकते हैं या एज ए कॉम्बिनेशनल पार्ट जो एफ पी जी ए है ये उससे भी ज़्यादा एक वर्सेटाइल डिवाइस है एफ पी जी ए में बेसिकली लॉजिक यूनिट्स होते हैं डिफरेंट लॉजिक यूनिट वो एक टू डायमेंशनल ग्रिड की फॉर्म में अरेंज हैं आपस में डिफरेंट कॉलम और रो इंटरकोनेक्ट हैं दैट मीन्स एक लॉजिक यूनिट जो है किसी दूसरे लॉजिक यूनिट के साथ आप कोनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग दीज डाटा पाथ्स जो कि कॉलम और रो की फॉर्म में है, और ये प्रोग्रामेबल हैं आप कोनेक्ट कर सकते हैं किसी लॉजिक यूनिट के साथ जो एफ़ का पैकेज uh, है उसके आउटपुट पे हमारे पास इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स हैं जिनको अगेन प्रोग्राम कर सकते हैं तो आपने अगर इनपुट सिग्नल भेजना है तो आप इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं इसी तरह अगर आउटपुट आपने सिग्नल रिसीव करना है अगेन इन आउटपुट इनपुट आउटपुट जो मॉड्यूल्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं सो बेसिकली एफ़ भी एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है पर उसमें एंड और गेट अरेज नहीं है उसमें एक लॉजिक सेल्स बने हुए हैं जिनको आप प्रोग्राम कर सकते हैं वो लॉजिक जो सेल्स हैं कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं बेसिकली वो लुकअप टेबल की फॉर्म में है एक मेमोरी है जिसको आप प्रोग्राम करेंगे टू इंप्लीमेंट एनी फंक्शनल यूनिट सो आइए देखते इसका ब्लॉक डायग्राम और उसके बाद मजीद डिस्कशन करते हैं डायग्राम में एक एफ का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है बहुत सारे लॉजिक ब्लॉक्स हैं कॉलम इंटरकनेक्ट्स और रो इंटरकनेक्ट्स हैं जिनकी मदद से डिफरेंट लॉजिक ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है पैकेज के बॉर्डर पे आपको इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स दिखाए गए जो कि प्रोग्राम कर सकते हैं सो so, कोई भी लॉजिक ब्लॉक जो है उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या प्रोग्राम कर सकते हैं कोई भी फंक्शन इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके इनपुट्स आउटपुट्स किसी दूसरे लॉजिक ब्लॉक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या चिप के इनपुट आउटपुट ब्लॉक के साथ कनेक्ट किया जा सकता है एफ़ पी जी ए के हर लॉजिकल यूनिट में लॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं जिनको मल्टीपल लॉजिक एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम इंडिपेंडेंटली प्रोग्राम कर सकते हैं दैट मीन्स डिफरेंट फंक्शंस हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसमें इन फंक्शंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है हर लॉजिकल एलिमेंट का और कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं जिस तरह हमने पीएलडी डिवाइसेस में देखा था जो ऑल ऑलमेक सर्किट था उसमें हमारे पास एक फ़्लिप फ्लॉप था कुछ कॉम्बिनेशनल इनपुट था हम इनको कॉन्फिगर कर सकते थे ताकि हमारे पास या तो कॉम्बिनेशनल आउटपुट आ जाए या सिक्वेंशल आउटपुट आ जाए इसी तरह ये जो लॉजिकल एलिमेंट्स हैं उसमें भी एक फ्लिप फ्लॉप है कुछ कॉम्बिनेशनल पार्ट है उसमें कुछ इस किस्म का भी लॉजिक है ताकि हम जो जो नेबरिंग सेल्स हैं लॉजिक यूनिट्स हैं उनसे हम कुछ इनपुट ले सकें या आउटपुट उधर भेज सकें सुबहल so, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है और ये जो सारी सर्किटरी है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी डिस्कशन एफ पी जी से दोबारा शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा खुदाफिज असल